हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। आई एम श्रीमिश श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे लॉयर और पुलिस के बारे में। नाउ यहाँ पे बेसिकली जो रिसेंट केस है, वो रिसेंट केस में यहाँ पे हाई कोर्ट ने वार्न किया है कि भाई पुलिस ऑफिसर जो है वो लॉयर को, वकीलों को हरास ना करें। नाउ दीज टू अथॉरिटीज, चाहे वो लॉयर हों या फिर आपके पुलिस ऑफिसर्स हों, इनकी बेसिक प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में लॉयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, तो यहाँ पे पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट देन वी ऑलवेज से जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं दैट आर अनरूली हॉर्सेस, राइट, कि भाई उनको अपनी पावर का वो इस्तेमाल करते हैं, कई बार मिसयूज भी करते हुए देखा गया है कि पुलिस ऑफिसर्स अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में बेसिकली कोर्ट ने क्या कहा कि वकीलों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है पुलिस ऑफिसर्स से। और ऐसा क्यों कहा, क्या केस के फैक्ट्स थे, ये सारी चीजें हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमिश श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन और सेशन, यू कैन रीच मी आउट ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। नाउ एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि दशहरे के इस अवसर पे स्टडी आई की जुडिशरी लेकर आया था दशहरा सेल, जिसकी आज है लास्ट डेट। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को, तो आई वुड से दिस इज द राइट टाइम टू एनरोल, बिकॉज यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स मिल रहा है। लाइफ फाउंडेशन बैच 8 में एडमिशन लेने की आज लास्ट डेट है और दशहरा सेल की भी आज आखिरी दिन है, तो आप एनरोल कर सकते हैं 22,999 रुपए में डिस्काउंट कोड श्री लाइव जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसका इस्तेमाल करके। इससे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है श्री लाइव डिस्काउंट कोड से। बाकी सारी फीचर्स इस लाइफ फाउंडेशन बैच 8 के वो हम सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ द नेम ऑफ द केस इज जगदीश पी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर। अब यहाँ पे बेसिकली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और आदेश ऐसा क्यों दिया ये जानते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे जो एडवोकेट जगदीश हैं उन्होंने ये कहा कि उनके साथ और उनकी वाइफ के साथ पुलिस वाले ने बदतमीजी करी, बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीटमेंट किया उनके साथ और बहुत मिसहैंडल किया उनकी वाइफ को और एडवोकेट को यहाँ पे दो ओकेजन्स पे। अब जो ये पुलिस ऑफिसर्स थे, या पुलिस ऑफिसर्स थे फिरोक पुलिस स्टेशन के, और यहाँ पे उनका ये कहना था कि भाई जो फर्स्ट असॉल्ट हुआ, अब जो एडवोकेट है उनका ये कहना है कि दो इंस्टेंसेस पे असॉल्ट किए गए। जो पहला इंसिडेंस था असॉल्ट का वो हुआ आपका 1 अक्टूबर को, जहां पे वो अपने क्लाइंट से मिलने गए थे। तो एडवोकेट जो है, वकील साहब जो है, अपने क्लाइंट से मिलने गए थे अराउंड 9:30 बजे रात में। वो अपने क्लाइंट से मिलने गए थे और वो मीटिंग कर रहे थे गाड़ी में ही बैठ के, राइट। तो ये पहला इंसिडेंट जो हुआ, वहां पर उन्होंने सबमिट किया कि जो क्लाइंट के साथ वो कुछ डिस्कशन कर रहे थे कार में बैठ के और उनकी वाइफ जो है गाड़ी को चला रही थी। अब एकदम से क्या हुआ कि जो क्लाइंट के रिलेटिव्स हैं, उसकी मदर और उसका भाई क्लाइंट का, वो जो है आके बदतमीजी करने लगे, ठीक है। अब वो बदतमीजी करने लगे, उन्होंने कोशिश करी गाड़ी को रोकने की और एक रकस क्रिएट कर दिया उन्होंने वहां पे रात में 9:30 बजे। बेसिकली क्लाइंट से मिलने का पर्पस था यहाँ पे एडवोकेट का और वो गाड़ी में बैठ के आराम से मिल रहे थे। बट देन उन्होंने जो है मॉलेस्ट करना शुरू कर दिया। जो क्लाइंट की माँ थी और क्लाइंट का जो भाई था, वो एकदम से आकर उन्होंने रोकी गाड़ी और मॉलेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, असॉल्ट करना शुरू कर दिया वहीं पे बीचों बीच में। बट कैसे तैसे यहाँ पे जो वकील की वाइफ थी उसने गाड़ी भगा ली और वो वहां से बच निकले। नाउ आगे चल के उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी कार को, क्लाइंट तो गाड़ी में ही बैठा हुआ था, तो उन्होंने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया एक जगह पे, ठीक है, एक पब्लिक रोड पे पार्क कर दिया गया, एक पोस्ट ऑफिस के पास उन्होंने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया। अब इस मोमेंट पे क्या हुआ कि पुलिस ऑफिसर आए, दो पुलिस ऑफिसर आए और पुलिस ऑफिसर ने कहा कि भाई, पुलिस ऑफिसर ने उनमें रॉयटिंग का चार्ज लगा दिया कि आप जो है पब्लिक प्लेस पे रॉयटिंग क्रिएट कर रहे हो, आप झगड़ा कर रहे हो पब्लिक प्लेस पे, और रॉयटिंग का ऑफेंस लगाकर उनसे कहा कि आप पब्लिक रोड पे बदतमीजी कर रहे हो और रकस क्रिएट कर रहे हो। नाउ यहाँ पे फर्दर लॉयर ने क्या अलर्ज किया, फर्दर लॉयर ने यहाँ पे कहा कि पुलिस ऑफिसर ने उसको और उसकी वाइफ को बुरी तरीके से बेरहमी से ट्रीट किया एंड बहुत ही ज्यादा मैन हैंडलिंग हुई उनकी पब्लिक में, एंड कंटिन्यू द इल ट्रीटमेंट अंटिल दे रीच द पुलिस स्टेशन। और ये ट्रीटमेंट जो ये मिसट्रीट किया है, बुरी तरीके से बिहेव किया है उनके साथ, ये कंटिन्यू रहा जब तक वो फिरोक पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच गए। ना यहाँ पे बाद में ये भी कहा कि उनको जो है बेल दी थी मजिस्ट्रेट ने, उसके बाद वो एडमिट हो गए हॉस्पिटल में और उनका कुछ हार्ट की कुछ कंडीशन को लेकर उनको ट्रीटमेंट चल रहा था, तो फिर वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। बट यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब ने उनको बेल दे दी थी। अब ये तो हुआ आपका पहला इंसिडेंट। अब दूसरा इंस्टेंस भी सेम लॉयर और सेम पुलिस वाले के बीच में ही हुआ। नाउ इस पर्टिकुलर प्ली में यहाँ पे दोबारा उन्होंने कहा कि जो सेकंड असॉल्ट हुआ वो सेकंड असॉल्ट हुआ आपका 9 अक्टूबर को। तो पहला असॉल्ट 1 अक्टूबर को हुआ और दूसरा असॉल्ट 9 अक्टूबर को हुआ सेम पुलिस ऑफिसर द्वारा, जिन्होंने दोबारा बदतमीजी करी उन लॉयर्स के और उनकी वाइफ के साथ, जिन्होंने बदतमीजी करी थी 1 अक्टूबर को। राइट, अब यहाँ पे लॉयर ने सबमिट किया दैट दीज ऑफिसर्स वर डूइंग देयर रूटीन पेट्रोलिंग। तो पुलिस ऑफिसर आपने देखा होगा रात में अक्सर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तो वो अपनी डेली रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे ये पुलिस ऑफिसर्स। एंड वहां पे इन्होंने स्पॉट कर लिया लॉयर को, वो अपने कुत्ते को टहलाने निकले थे बाहर, वहां पे इन्होंने स्पॉट कर लिया और वहां पे फिर से इन पुलिस ऑफिसर्स ने इनके साथ असॉल्ट किया और इनके साथ बदतमीजी करी। ठीक है, अगेन मैन हैंडल्ड वंस अगेन इस पर्टिकुलर ओकेजन पे, बिना किसी राइम, बिना किसी रीजन के, बिना किसी वजह के यहाँ पे दोबारा बदतमीजी करी पुलिस ऑफिसर ने लॉयर के साथ और लॉयर की वाइफ के साथ। नाउ बाय दीज पुलिस ऑफिसर्स ऑन द सेट डे एज वेल, अगेन जो कंटेंशन थी बेसिकली यहाँ पे लॉयर की वो ये थी कि दोबारा सेम पुलिस ऑफिसर ने दूसरी बार ऐसा किया, उनके साथ बदतमीजी करी। नाउ केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पे वेडनेसडे को क्या किया, एक इंटरिम ऑर्डर पास किया और ये कहा कि इता करते हुए मैं वो सॉरी कॉशन कहते नहीं आपको, चेतावनी देते हुए, राइट, चेतावनी देते हुए इन सारे पुलिस ऑफिसर्स को, 3 पुलिस ऑफिसर्स को केरला के, इन्होंने कहा कि भाई आप हरास नहीं करोगे लॉयर को। राइट, तो यहाँ पे तो 3 पुलिस ऑफिसर्स अगेंस्ट हरासिंग अ लॉयर who along with his wife was allegedly assaulted by these police officers। तो basically यहाँ पे एक interim order आ गया कि भाई अब आपको ये चेतावनी दी जा रही है इस आदेश से कि आप जो है बदतमीजी नहीं करेंगे लॉयर के साथ। Honorable Justice N Nagaresh was dealing with the petition filed by the practicing lawyer who sought protection from the police। और यहाँ पे basically इस particular case में जो ये application लगाई गई थी advocate द्वारा, वो ये लगाई गई थी कि भाई हमें जो है protection की जरूरत है पुलिस से, हमें जो है protection दी प्रोवाइड की जाए पुलिस ऑफिसर से, क्योंकि हमें जो ये पुलिस ऑफिसर 3-4 पुलिस ऑफिसर जो है वो हमें असॉल्ट कर रहे हैं और ये एक ओकेजन में नहीं 2 ओकेजन ऐसे हो चुके हैं जहां पे इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी है। नाउ इस इंटरिम ऑर्डर में ऑनरेबल जस्टिस नगरेश ने कहा पुलिस अथॉरिटीज को कि भाई आप हरास नहीं कर सकते लॉयर्स को एनी मोर अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द पिटिशन। जब तक वो पिटिशन डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती, जब तक केस डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता, तब तक आप कोई भी बदतमीजी नहीं करोगे, मैन हैंडलिंग नहीं होगी उनके साथ। राइट, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम यहाँ पे जज साहब ने कहा कि भाई आपको अगर इन लॉयर से कोई भी पूछताछ करनी है केस के रिस्पेक्ट में, केस के संबंध में, तो वहां पे आपको नोटिस देना होगा इन लॉयर्स को, तभी आप बुला सकते हो। राइट, तो यहाँ पे बेसिकली जज ने ऐड किया इस चीज को, इसी पर्टिकुलर सुनवाई करते हुए दैट द नोटिस शुड बी इशू टू द पेटिशनर। पेटिशनर उसकी वाइफ को आप नोटिस दोगे अगर आपको उनकी प्रेजेंस चाहिए। ठीक है, अगर उनकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है पुलिस द्वारा किसी भी जो केस की इन्वेस्टिगेशन के पर्पज के लिए अगर उनकी प्रेजेंस की जरूरत है तो आपको पहले उन्हें नोटिस देना होगा और तभी आप उन्हें बुलाओगे, अदरवाइज आप नहीं बुला सकते। राइट, नाउ इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स, जो ये इंसिडेंट्स हुए थे उनको ध्यान में रखते हुए लॉयर ने बेसिकली हाई कोर्ट को अप्रोच किया हुआ था और ये कहा था कि भाई मुझे प्रोटेक्शन की चाहिए पुलिस ऑफिसर से, और ये पुलिस ऑफिसर की जो प्रोटेक्शन की डिमांड करी गई थी उस प्ली को बेसिकली यहाँ पे हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था, एडमिट कर लिया था। और यहाँ पे कोर्ट ने कहा दैट कोर्ट ऑल्सो सॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर एलर्जली इन्वॉल्व इन दी असॉल्ट। और यहाँ पे जवाब भी मांगा गया है उन पुलिस ऑफिसर से कि आपने क्यों बदतमीजी करी लॉयर के साथ, इस पे हमें एक रिस्पॉन्स भी आप सबमिट करें। सो दिस वॉज द केस बेसिकली जहाँ पे कोर्ट ने ये कहा, उनको चेतावनी भी दी कि आप नहीं बदतमीजी कर सकते, आप असॉल्ट नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा, आपने ऐसा क्यों किया इसका भी जवाब दीजिए, और दूसरा अगर आपको अब दोबारा कोई भी पूछताछ करनी है तो बेसिकली आपको नोटिस है, आपको उनको बुलाना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। सो सी वी ऑलवेज सी दिस, राइट। अब ये तो एक केस हो गया, केस के फैक्ट्स हो गए जो हमने डिस्कस किया बेसिकली आज जो रीसेंट केस है, बट देन वी ऑलवेज सी कि हमेशा एक टसल रहता है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर और वकीलों के बीच में हमेशा एक टसल रहता है। क्यों रहता है? देखो अगेन, आप हमेशा देखते हो कि कोई भी केस हुआ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी केस हुआ, आपने क्लाइंट एज अ क्लाइंट आपने अपने वकील को कहा कि भाई मुझे इस केस की FIR दर्ज करानी है। अब लॉयर गया वहां पे पुलिस स्टेशन, वहां पे पुलिस ऑफिसर ने मना कर दिया कि मैं नहीं लिखता FIR आपकी। अब यहाँ पे 2 रास्ते हैं, या तो लॉयर अपनी वहां पे सारी लॉ गिरदी दिखा दे, अपनी लॉ की सारी बातें बता दे कि ऐसा केस में ये कहा गया था, मैंडेटरी है FIR लिखना, ललिता कुमारी वाले केस में कहा गया था और आपको लिखनी पड़ेगी, या तो वहां पे बहसबाजी करे, या फिर लॉयर चुपचाप वापस आ जाए अपनी कंप्लेंट दर्ज करके, वहां पे अपनी FIR अगर वो रिफ्यूज कर रहा है तो वहां से वापस आ जाए और वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकता है, या फिर वो मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन लगा सकता है कि भाई आप डायरेक्ट करो अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 कि आप डायरेक्ट करो भाई पुलिस ऑफिसर्स को कि इस पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन करे और FIR दर्ज करे। ये 2 ऑप्शंस है, राइट। बट देन एक्चुअली प्रैक्टिकली होता क्या है कि जो भी लॉयर्स आ रहे हैं उनका टसल हो जाता है वहां पे, बट देन जो लॉयर्स होते हैं वो होते हैं ऑफिसर्स कोर्ट के, राइट, वो कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में हेल्प करते हैं। एट द सेम टाइम पुलिस ऑफिसर्स को समझ में नहीं आता, वहां पे वो अपनी ही तरीके से उस चीज को डील करते हैं, या हमने बहुत बार देखा है कि पुलिस ऑफिसर्स बहुत बदतमीजी से ट्रीट करते हैं लोगों को। सो यहाँ पे बेसिकली बीइंग दीज टू ऑफिसर्स helping in the society for the administration of justice, you can say, or you can say for maintaining law and order, they need to be have a balance between these two authorities। और सबके पास अपने अपनी powers हैं जिनको lawfully exercise करना चाहिए। And just because police officers अगर lawfully exercise नहीं करते हैं किसी situation में, तो उनको जो है सजा भी सुनाई जाती है। The same goes with this particular case also। यहाँ पे उन्होंने assault किया, तो इस पे particular case पे जब lawyer ने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, जब एक पिटीशन फाइल करी कोर्ट में, तो यहाँ पे कोर्ट ने एडमिट करा और पूछा भी कि भाई बताओ आपने ऐसा मैन हैंडलिंग क्यों करी है, आपने असॉल्ट क्यों किया है। सो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर, और अपने लॉफुल एक्सरसाइज में ही अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, बी इट योर पुलिस ऑफिसर, बी इट योर लॉयर्स, राइट। सो व्हाट इज योर व्यू पॉइंट इन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड इन टुडेज सेशन। एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे श्रीमिश श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट है जस्ट रीच मी आउट ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल डायरेक्टली। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि रोज 5 से 6 मेरी एक सीरीज आ रही है जहां पे हम अपकमिंग वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हैं। तो उसमें हम सीपीसी स्टार्ट कर चुके हैं, आज लेक्चर नंबर 4 है सीपीसी का, 5 से 6 डेली होता है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को और रिवाइज करने चाहते हैं अपने सारे मेजर लॉज, तो आप मुझसे जुड़ना ना भूलें रोज 5 से 6 यूट्यूब चैनल पे, सेम प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम सीपीसी कवर अप कर रहे हैं। इससे पहले हम सीआरपीसी और आईपीसी कवर अप कर चुके हैं। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल यू कैन जस्ट गो एंड चेक दी प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो रैपिड रिवीजन के नाम से। यू विल फाइंड ऑल दी प्रीवियस लेक्चर्स। एंड आज से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप नए हैं तो। रोज शाम को 5 से 6 बजे अपकमिंग वैकेंसीज को टारगेट करते हुए सीपीसी की क्लासेस चल रही हैं, राइट। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज कि दशहरा सेल पे आपको ये कोर्स मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइस पे, लाइफ फाउंडेशन बैच 8। अमेजिंग फीचर्स है इस लाइफ फाउंडेशन बैच में, 12 महीनों में कंप्रीहेंसिव तैयारी कराई जाती है आपकी। यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जहां पे आप 2-वे कम्युनिकेट करके अपने सारे डाउट्स क्लास में ही सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे हैंडरिटन नोट्स, लेक्चर नोट्स डेली बेसिस पे एमसीक्यूज कराए जाते हैं। पर डे 2 लेक्चर्स होते हैं, और जो ये लेक्चर नोट्स हैं और आपके एमसीक्यूज हैं ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाते हैं। और भी बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं, जैसे कि एक मेंटर अलॉट किया जाता है जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है इस पूरी जर्नी में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज दी जाती है। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की कंप्रीहेंसिव तैयारी कराई जाती है सिर्फ 12 महीनों में, और ये कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड रहता है। 2023 में अगर आप ये कोर्स परचेस करेंगे तो 2025 तक ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। और भी बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन स्टेट्स में जहाँ पे जीएस और जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके लिए यहाँ पे वीकली बेसिस पे लीगल करंट अफेयर और जनरल करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं। स्टैटिक जीके की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, आपको ट्रांसलेशन सिखाया जाता है, जजमेंट राइटिंग सिखाई जाती है, और साथ में आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं, और वीकली बेसिस पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ये सब कुछ कवर अप कराए जाते हैं कंप्रीहेंसिव तरीके से इस लाइफ फाउंडेशन बैच में। और आज बैच 8 में एडमिशन लेने की लास्ट डेट है, और आज दशहरा सेल की भी लास्ट डेट है। अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये कोर्स मिल रहा है 22,999 रुपए में। कल से यही सेम कोर्स आपका 25,000 रुपीज का हो जाएगा। सो डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके आप एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन कोर्स को लेकर है, एग्जामिनेशन को लेकर है, स्ट्रैटेजी को लेकर है, किसी भी तरीके का है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। नाउ अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये कोर्स मिल रहा है 22,999 में। डिस्काउंट कोड श्रीलाई जब आप यूज करोगे तो आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे 22,999 में। 22,999 का जो ये कोर्स है, इसमें आपको 2 कोर्स मिलेंगे, लाइफ फाउंडेशन बैच 8 और इसके साथ साथ जुडिशरी का महापैक। जब आप डिस्काउंट कोड श्री लाइव का इस्तेमाल करेंगे एनरोल करते टाइम, जुडिशरी का महापैक वो कोर्स है जिसमें 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है। सो यहाँ पे आपको इस प्राइस में 2 कोर्सेज मिल जाएंगे डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके। एंड किस तरीके से एनरोल करना है आपको इस लाइव फाउंडेशन बैच में, तो यहाँ पे स्टडी आई क्यू जुडिशरी आपको सर्च करना है। गूगल पे जाके आप स्टडी आई क्यू जुडिशरी सर्च करो। जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो जो लिंक आ रही है इसको सेलेक्ट करना है। जैसे आप लिंक को सेलेक्ट करोगे यहाँ पे लाइफ फाउंडेशन बैच 8 है एंड वी डू हैव रिकॉर्डेड कोर्सेज एज वेल। इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना है, डिस्काउंट कोड श्री लाइफ जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है उससे मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट कोड अप्लाई कहाँ पे करना है ये मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं और लाइफ फाउंडेशन बैच भी है। कोई भी कोर्स लेना है डिस्काउंट कोड फ्री लाइव यूज करके परचेज करना है आपको कोर्स, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और जो ये जुडिशरी का महापैक है जिसमें 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है वो आपको इस लाइफ फाउंडेशन बैच 8 के साथ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, डिस्काउंट कोड फ्री लाइव यूज करके। नाउ सेलेक्ट करना है बैच 8 को और यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो 38,000 रुपीज शो कर रहा है। बट देन आपको नहीं डरना है क्योंकि आपके पास है मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने का डिस्काउंट कोड दैट इज श्री लाइव। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे प्रोमो कोड यहाँ पे और लेफ्ट हैंड साइड पे एंटर कूपन कोड की जगह SHRILIVE जैसे कि आप अप्लाई करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो ये कोर्स 2 साल की वैलिडिटी वाला है वो आपको मिल जाएगा सिर्फ 22,999 रुपए में। और अगर आपको ये कोर्स 3 साल के लिए चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा 27,999 रुपए में सेम डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके। कोई भी सब्सक्रिप्शन लो 2 साल वैलिडिटी वाला या फिर 3 साल वैलिडिटी वाला, आपको जुडिशरी का महापैक डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ऑफर एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जो वैलिड है आज रात सिर्फ 12 बजे तक। सो जल्दी से जाके एनरोल करिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को और कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन की। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहते, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड एनरोल। और अभी एनरोल करने में फायदा है क्योंकि प्राइजेस स्लैश डाउन किए गए हैं आपके इस दशहरा सेल में। तो डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करिए और अगर आपको तैयारी करनी है मेरी गाइडेंस और मेंटरशिप में डू यूज discount code SHRILIVE for maximum discount. So this was all from my end in today's session. Thank you so much for being there. See you in the next session. Stay tuned. 5 से 6 every day जहाँ पे हम upcoming state judiciary vacancies को target करके major laws को cover up कर रहे हैं. So 5 से 6 आज भी C.P.C. की class होगी. So stay tuned in that session. See you in that particular session. Till then take care.